अंधविश्वास में फंसकर अक्सर लोगों के ठगी का शिकार होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन फिर भी इन घटनाओं से लोग सबक नहीं लेते और अंधविश्वास की आड़ को लेकर शिकारी नए तरह के माया जाल बुनकर आसानी से किसी न किसी को फंसाकर अपना शिकार बना लेते हैं। इस तरह का ताजा मामला देखने को मिला है नावा के गाँव रामगढ़ में, जहाँ पर एक किसान इस माया जाल का लगातार दो बार शिकार हुआ और अपनी जिंदगी भर की कुल पूरी पूंजी 30 लाख के साथ हाथ धो बैठा। अब पूरे परिवार की झोली में सिर्फ और सिर्फ पछतावा और गम है। नावा के DMP परविंदर जीत सिंह ने बताया कि हमने पीड़ित किसान हाकम सिंह के बयानों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला एक नई किस्म की ठगी का है। नावा के गांव रामगढ़ का रहने वाला किसान हाकम सिंह अपनी कुल 12 बीघा जमीन पर खेती करता था, लेकिन साल 2018 में कुदरती आफत के कारण उसको खेती में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था और खेती से हो रहे नुकसान से तंग आकर उसने इस धंधे से किनारा किया और अपनी जमीन बेचकर 35 लाख रुपए अपने बैंक खाता में जमा करवा दिया, ताकि अपने दो जवान पुत्र हरप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह के लिए नया कोई कामकाज शुरू कर सके। इस दौरान गांव के रामतलाई मंदिर में दो ठग बाबा बालक दास और मंगल दास रहते थे और गांव के लोगों का विश्वास हासिल कर चुके थे, जो बाद में थोड़ी दूर करीबन 3 किलोमीटर स्थित मांझी गाँव में एक मंदिर में सेवा करने गए। किसान हाकम सिंह उस मंदिर में भी चौकी भरने के लिए जा रहा था। मंदिर में सेवा करते इन दोनों बाबाओं को पता चला कि किसान हाकम सिंह के बैंक में 35 लाख रुपए हैं, तो दोनों ने किसान की आर्थिक परेशानी का फायदा उठाने के लिए अपना माया जाल फैलाना शुरू कर दिया और हाकम सिंह को कहा कि वह 3 पीतल के मटके लाए और इतना पैसा इसमें रख दे, कुछ दिन बाद ये मटके खोले जाएंगे तो इनमें रखा पैसा सोने में तब्दील हुआ मिलेगा, जिसका कुछ हिस्सा वो दोनों को देना होगा। अंधविश्वास में फंसा हाकम सिंह उनके झांसे में आ गया और 3 पीतल के मटके में 6-6 लाख रुपए प्रति मटका यानी कि कुल 18 लाख नकदी के साथ भर दिया और मटके के मुंह वेल्डिंग के जरिए सील करवा दिए। वहीं ठग बाबू ने हाकम सिंह को कह दिया कि वह दोनों बाहर जाएंगे तो इन मटकों की निगरानी वो करे, किसी को इनके पास फटकने नहीं देना है और वापस आने पर पूरी तरह इन बाबाओं के झांसे में फंस गया। वहीं हाकम सिंह ने घर के हर रोज में वाकिफ हो चुके बाबाओं ने करीब 4 दिन बाद दूसरा माया जाल फेंका और हाकम सिंह को कहा कि चंडीगढ़ उनकी रिश्तेदारी में 2 लड़कियां जो 8-8 एकड़ जमीन की वारिस हैं। इन लड़कियों का विवाह हाकम सिंह के नौजवान पुत्रों के साथ करवाने का झांसा देकर अनजान लड़कियों की तस्वीर शायद सोशल मीडिया से उठाई गई हो सकती हैं। जांच में साफ हो पाएगा कि दिखा दी और हाकम सिंह ने पूरे परिवार को अपने झांसे में मंगल दास और बालक दास पे ले लिया। अंधविश्वास में फंसे हाकम सिंह को लड़कियों के परिवार की तरफ से विवाह की हामी का कहकर इन जालसाजों ने चिट्ठी देकर लड़कियों को शगुन देने का कहकर 50,000 नकदी रकम वसूल करते और बीती 3 मई को दिन शुक्रवार को अच्छे परिवार में रिश्ता होने को कहकर रिश्तेदारों को विवाह का न्योता पत्र भेज दिया। शुक्रवार बारात को लेकर जाने का न्योता दे दिया। हाकम सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तैयारियां करते हुए मिठाई तैयार करने के लिए हलवाई बिठा लिए गए। पूरे जोर शोर से खुशी का माहौल के साथ साथ पूरा परिवार तैयारी कर रहा था। घर में विवाह की रंगीन लाइटें भी लग गईं। हाकम के दोनों पुत्रों को हल्दी उपटन लगाने की रस्म भी अदा की गई। विवाह की तारीख 3 मई को जब बारात जाने को तैयार थे, बाबा मंगलदास और बालकदास ने अचानक संदेश दिया कि लड़कियों की माता का देहांत हो गया और विवाह 2 या 3 दिन बाद होगा, जिस पर हाकम सिंह और उसके रिश्तेदारों ने लड़कियों की माता का अंतिम संस्कार पर जाने की इच्छा जताई तो दोनों बाबा अपनी पोल खुलती देखकर अपना बोरिया बिस्तर लेकर रफू चक्कर हो चुके थे। तो सब होने पर हाकम सिंह रिश्तेदारों और गांव वासियों समेत पहुंचा तो देखा पीतल के मटके से ढक्कन टूटे पड़े थे, नकदी की जगह चावल भरे हुए थे। हाकम सिंह को जब तक होश आता उसके साथ कुल 30 लाख की ठगी हो चुकी थी और अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूटने के कारण हाकम सिंह का परिवार सदमे में है। इस बात पर पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई गई। मामले की सूचना पर पुलिस ने पड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं ठगी का शिकार हुए पीड़ित किसान हाकम सिंह ने रोते कहराते हुए पूरी आपबीती अंधविश्वास में आकर इन बाबाओं के झांसे में आ गया और पहले नकदी के सोने में तब्दील होने के चमत्कार पर भरोसा कर बैठा और फिर अपने बेटे हरप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह की शादी और विवाह सुनहरी भविष्य के लिए सपने में फंसकर नकली विवाह की साजिश में उलझता चला गया। घर में विवाह की तैयारी पूरी की गई, पकवान तैयार हुए और नजदीकी रिश्तेदार भी पहुंच गए। विवाह को लेकर सभी रस्म भी अदा की जा चुकी थी, लेकिन बिल्कुल बारात जाने के मौके पर पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है। अपनी जिंदगी भर की कमाई वह लुटा बैठा है, अब उसके पास गंवाने के लिए
लिए पीछे कुछ भी नहीं रह गया। इस मामले पर पीड़ित के रिश्तेदार शेर सिंह ने कहा कि हाकम सिंह को भरोसे में लेकर बड़ी ठगी हुई है, पैसे से सोना, फिर विवाह की झूठी साजिश रची गई, परिवार की तरफ से काफी खर्च कर विवाह के लिए हर इंतजाम किए गए, पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं नाभा के डीएम एसपी वरिंदरजीत सिंह थिन ने बताया कि हमने पीड़ित किसान हाकम सिंह के बयानों का मामला दर्ज करवाया है। अब एक डेरे पर सेवा करने जाता था, दो बाबाओं ने पैसा सोने में तब्दील होने की और विवाह की साजिश कर उसके साथ ठगी की। मामले की गहराई के साथ पीड़ित किसान हाकिम सिंह के साथ 30 लाख से भी ज्यादा की ठगी हुई है। ओ जमीन मेरी मार्च थी बारिश दे बने दे सूआ पैंदा जी साडा सूए की टक्कर ला के पानी खड़ता थी जी उदी कारण मैं जमीन बेची जी भी चल कित होर ले लाँगे जी इधरों भी जी बेच के फिर जी मैंने डेरे बागे जी मैं बारह बिगे जी चाली लख मैं रखा जी 35 लख रुपया जी बाबे चक्कर से मैनू बाबे ने बुला लिया जी उ भी भाई कहते उरे सेवा करा कर तेन असी तार देंगे मैं सेवा करता रहा जी मैनू कहें भी हाकम सिंह भी अपने पैसे पाने ने भी पैसे पा के तेरे उरे धर देने ने तेरे दुगने बना के मैं दे दूंगा भी सौना होगा सौने जो दूँ तेन हिस्सा भी आप सौना बनावे पैसे पैसे पैसा धरेंगे तो सौना आऊगा अपने को फिर उस तो बाद जी मैं इनू पैसे कहना भी लिया पैसे मैं गया नाभ फिर पैसे लिया जी 6 लख केरा लिया जी 6 लख तीए के दिन फिर लिया जी फिर कहना जी काका हाकम सिंह फिर लिया पैसे किन्नियां तीन तीन गागर धरे हाँ जी किस बंद की आटा ला के जी उन्हें हाँ भी हाकम सिंह तेरे पैसे आ पे ने कितने नहीं गए है और बाबा टूर से पा जाना जी मैं रहा जी पहले पासे बाहर बीता निगाह रखनिया ठीक है कोई आ ना जाए दल फिर जी मैंने ब्याह के झांसे फसा लिया जी भी हाँ जी तेरे बड़े लड़के मैं रिश्ता करा जी भी इन्ने पैसे लिया ठीक है जी गलबात फोटो तो घरें भेजती मुंडा को नैट पर फोटो भेजी हुई जी मुंडिया दिखाती उधरों कुड़ी दिया पाती जी चलो मुंडिया ने विश्वास दवाया जी उन्होंने चंडीगढ़ का जी चंडीगढ़ दी कहेंगे ने सू हाँ जी हाँ चंडीगढ़ शहर दस बाबे ने कहा जी कहना मरगत हो गई भाई उथे हां भी सच मर गई मुंडे की हाँ बरात नहीं जाती हैगी जी उस तो बाद पहले तो कही गए भी आप 10-11 बजे चलेंगे जी भी संस्कार हो जूगा अच्छ फिर मैंने बुला लिया जी फिर कहें भी परसों चलेंगे आप किस तरह पता लगे ठगी लग गई पहुंचे हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ उत्थे फिर पै गया जी रौला बाबा भज गया जी दूआ एक कवर कर लिया जी हाँ जी हाँ वो फड़क थाने दिया जी सदर चाह हाँ जी अच्छ तो यही मंग करते जी सा पैसा मिल जाए जी वापस मेरे तो लै गई 30 लख रुपया जी हाँ जी जमीन भी गई हाँ जी पैसा भी गया जी जमीन भी गई मेरे मैं तो बेकार करता जी बदनामी भी हो गई मेरे पिंड च हाँ जी हाँ बहुत माड़ा होया जी मैं तो एक हम जोन जोगा नहीं रहा पिंड च जड़ा जी उधरों की ਉਹਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਲਕਦਾਸ ਜੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਖੜਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਬੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਧਰ ਇੱਕ ਉਧਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 12 ਵਿਘੇ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ 12 ਵਿਘੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 30 ਦਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਪੱਗਾਂ ਪੁੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ
असें घरें पकवान पक्के पे थे, जागो कढ़ी जी, डीजे लगे, रंगमलियां मना रहे थे जी पूरी। असं यही मांग करते हैं इंसाफ मिलना चाहता सानू। साधु आए थे, एक का नाम सीगा बालकनाथ ते दूजे का नाम सीगा मंगलदास। ये दो साधु आए थे, इन्होंने इन्हों किसी ना किसी तरह लालच बस करके ज आपके जोड़ा अंधविश्वास होंगे माया जाल आपके इन्हों भरमा लिया, तो इन्हों तो इन्होंने 30-32 लाख रुपए की जी है ठगी मार ली। पहला ये कहें रहे कि जी असं जोड़ा है पैसा इनू 3 गागर के पा दो, 6-6 लाख रुपया इन्होंने पा दिता कि असी यदा सोना बना के क्ढा। तो उस तो बाद फिर होर इन्होंने इन्हों बच्चों गुरप्रीत तो हरप्रीत का रिश्ता कराने के बदले होर इन्हों तो ठगी टोटल 30-35 लाख की जी है जी ठगी कहें, जेडे कि 30-35 लाख रुपये हाकम सिंह ने अपनी जमीन वेच के बैंक रखे हुए थे उस पैसे लैके जोड़ा हैगा जी एक उन्होंने साधु वह फरार हो गया जी। इन्हों का जी एक मंदिर है जी डेरा टाइप ही है जी, तो उत्थे इन्होंने दबे सके जी, राम भलाई मंदिर है जी इत राजगढ़ जी। नहीं कुछ एवं रिकवर नहीं, खाली मटकी रिकवर हुए ने जी। पुलिस जी जो इन्हों का बयान सी, बयान के मुताबिक असी जी भी हैगी ठगी मारन की जी है धारा दे अधीन 400-420-120 भी असी ये परचा दर्ज करके तफ्तीश आरंभ भी हुई है। देखो हले तक किसी कुड़ी का मतलब ना तो जिहड़े विक्टम है हाकम सिंह होनी ना तो इन्हों की कोई मुलाकात का हले दस्या जा रहा कि इन्हों की किसी कुड़ी नाल मुलाकात हुई। जस्ट ये कि उन्होंने व्हाट्सएप पर फोटो दिखाईया सीगियां दो कुड़ियां दियां कि असी इन्हों दो कुड़ियों के नाल तुहाडे मुंडियां का रिश्ता करना, तो वो इस झांसे च आ गए। उन्होंने फिर 17-18 लाख रुपया फिर जिहड़ा हैगा गागरां वाले पैसे तो बिना भी उन्होंने होर दे दिता। इस TV1 इंडिया न्यूज के लिए अमरदीप आहूजा की रिपोर्ट, नाभा, पंजाब।